हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम आज निकल रहे हैं देहरादून के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे। और अभी रुपेश भाई को लेने चलना है, रुपेश भाई को लेके वहाँ से निकलते हैं सीधे देहरादून के लिए। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक, क्योंकि ये राइड बहुत अच्छी राइड होने वाली है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इतनी दूर राइड पर जा रहा हूँ। आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, जेवर हाईवे मसाला तक गया था और ये देहरादून तक की राइड है हमारी। तो इसमें देखते हैं कितने दिन के लिए जाते हैं, शायद एक दिन या दो दिन इतना ही रहेगा। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं और हमारा ड्रैगन देख रहे हैं ना, रेडी हो चुका है और चलते हैं। मेरे यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है कि रास्ता है ना, जो वो देखो कितना गड्ढा है, ब्रेकर गड्ढे, यही प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा। और आगे से तो और भी ज़्यादा रास्ता ख़राब है, उस साइड दो रास्ते जाते हैं हमारे घर से बाहर निकलने के लिए। बस थोड़ा सा ही दूर है मेन रोड से हमारा घर। ये सामने देख पा रहे होंगे आप लोग, क्राउन प्लाजा बिल्डिंग है ग्रेटर नोएडा में जो है, और यहीं पास में मैं रहता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। ये लोग भाई आ गए ना हाईवे पे, मेन रोड पे, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, पास में ही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अगस्त्य भाई के घर जा रहे हैं देहरादून में। कावासाकी के शोरूम से अगस्त्य भाई के घर तक रैली जाएगी। तो गाइस फाइनली हम लोग रूपेश भाई के घर पे आ चुके हैं। कितनी देर है? अरे गुरुजी नहा रहे हो भाई, बहुत लेट हो सच में यार। भाई देख रहे हैं ना, बंदे ने मुझे फोन कर दिया। हाँ 2:35 हो रहा था ना, 3:35, 2:35 हो रहा था, 2:35 पे बंदे ने मुझे फोन किया था और मैं उसके बाद भी कॉल पे भी मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैं लेट उठा हूँ, अपने आप ही आँख खुली है विदाउट अलार्म के, फिर मैं भी मैं जल्दी रेडी होके आ गया हूँ। और हमारा गेटअप देखो, ये आ चुके हैं रुपेश भाई के घर पे। बट मैं एक चीज़ अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में जैसे भी मैंने जैकेट ली हो, पर मुझे अच्छी लगती है, खिलती है जो पहनता हूँ ना, तो अजीब सा फील होता है मुझे कि हाँ जैकेट पहन रखी है राइडिंग के लिए। और लुकिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी है, सेफ्टी तो ज़रूरी है ही है भाई। तो गाइस निकलते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, लंच वगैरह पैक करवा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया है। और चलते हैं, कोई नहीं रास्ते में कवर कर लेंगे, मिलते हैं रास्ते में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं उजाला हो चुका है। उस दिन जो संडे राइड पे गए हुए थे तो वो क्लिच वायर दिक्कत कर रहा था, वो उस दिन फिर मैं एक दिन गया सेक्टर तो सर्विस सेंटर बंद था, मुझे पता नहीं था, मंगलवार में गया था। फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है बार बार, बस ये है कि बार बार टाइट करना पड़ रहा है ये। और हम लोग निकले थे 4:30 बजे निकले थे और अब टाइम हो रहा है 5:15। तो भाई अब हो चुके हैं ड्राइवर चेंज और अब रुपेश भाई लेके चलेंगे। 125 किलोमीटर करीब मैंने क्रॉस कर दिया है और अब आगे रुपेश भाई ले चलते हैं, मैं पीछे बैठ के चलता हूँ। और रास्ते का जो सफ़र था पता नहीं पड़ा भाई, मॉर्निंग में इतनी मस्त हवा चल रही है ना, देख सकते हैं, देखो भाई मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकले थे और टाइम भी सही था और मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, जैसे एकदम बोलते नहीं सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही है फ्रेश। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम दिखाते हैं आपको देहरादून पहुंच के कावासा के शोरूम पर जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं। तो गाइस फ्यूल अप करवा लेते हैं, फ्यूल हो गया है ख़त्म, मीटर हो गया डाउन। बस करो, हो गया उधर मत देखो, इधर देखो, ऐसा भी तो हो सको, सांस ले लेता यहाँ। तो गाइस बाइक हो गई है फुल,
और यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ये देखो। चलो कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही हो वो। देख रहे हैं ना पानी कितना साफ है भाई साहब। टाइम नहीं है, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं इधर की तरफ आता हूँ तो हरिद्वार रुकना नहीं पॉसिबल हो पाता है हमारे साथ, पता नहीं ऐसा क्या है। कई बार आया हूँ, इसी केस हो जाता है, पर हरिद्वार नहीं रुक पाता हूँ। औसम भाई औसम, हरिद्वार आ चुके हैं और क्या नाम है, आज तक हमें टाइम नहीं मिला है। देख रहे हैं ना सभी लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर रेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम हरिद्वार। यहाँ पर हम कई बार आए हैं और यहाँ पर वेट नहीं किया है, कभी रुके नहीं है, क्योंकि पता नहीं ऐसा अक्सर होता था कि हम रुक नहीं पाते थे। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर रुक के ही जाएंगे और हम लोग वहाँ से नॉन स्टॉप आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लंच वगैरह करके फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भोले बाबा की प्रतिमा कितनी बड़ी है और इधर साइड में गंगे वहाँ बह रही है, हर हर गंगे। अभी आगे से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और भाई रास्ते में अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट इतना तगड़ा वो ट्रक का टायर फटा, धूल ही धूल कर दी रोड पे, धूल ही धूल। ये देखो हर हर महादेव। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है और वो हमारे भोले बाबा वहाँ पे महादेव, हर हर महादेव। और जो अब तक का सफ़र हम लोगों ने किया है वो पता ही नहीं पड़ा है कब हम यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में निकले थे तो दोनों टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा भी था और उजाला भी फिर हुआ, तो पता ही नहीं पड़ा हम कब यहाँ पे आ गए हम लोग। कई सालों के बाद क्या पहली बार यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर रुक कई बार यहाँ से आया और गया लेकिन रुक नहीं पाता था। इस बार टाइम निकाल के हम लोग यहाँ पर रुके और नाश्ता करने के बाद जाएंगे। विकास भाई का काफ़ी मन था, मैं भी कई बार आया हूँ पर यहाँ रुका हूँ, पर इस जगह नहीं रुका जहाँ भोले बाबा की प्रतिमा है, यहाँ नहीं रुका। मैं कई बार आ चुका था तो भाई के काफ़ी मन में थी, बोल रहे थे यार मैं कई बार यहाँ से निकल चुका हूँ पर मैं रुका नहीं वहाँ पर। तो मैंने बोला अपनी गाड़ी यार, अपना सब कुछ, रुकेंगे क्यों नहीं, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी टाइम है हमारे पास और मैं पहुंचना देहरादून कावासाकी के शोरूम पे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है मॉर्निंग का, सुबह हम लोग जल्दी चले थे तो इसलिए सुबह सुबह भूख नहीं लगी थी, बस रूपेश भाई के यहाँ पर चाय पी के निकल लिए थे। उजाला होते होते हम लोग हरिद्वार आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये गंगे माँ के पास यहीं पर हमने लंच किया था, हर हर गंगे। तो अब इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे आपको देहरादून कावासाकी जा रहे हैं, जो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें ताकि हम दिखा सकें वहाँ पे।